अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को FBA होलसेल या होलसेल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको FBM भी कर सकते हैं, उसको FBM भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चंद एक फैक्टर्स हैं कि जो जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट सेलेक्शन के अंदर, अदरवाइज आपका अकाउंट अमेजोन सस्पेंड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेवल पर जाके मीटू कर लेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। उसकी काफ़ी सारी रीज़न होती हैं। अगर आप प्राइवेट लेबल को जाके मीट किया या किसी ब्रांड ने आपको अलाउ नहीं किया तो फिर आप उस प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दिए तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और ये ब्रांड आप पे वो कह सकता है कि अमेजोन को कि ये वाला जो सेलर है ये रेप्लिका बेच रहा है, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये हमसे नहीं ले रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ सेलर देखना है कितने इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करें, इसको 11 सेलर बेच रहे हैं। जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 3 FBA सेलर करता है। अब ये देखो ये वाला सेलर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके अलावा रैंडमली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे देखना कि ये वाला जो 2 सेलर है ये कितने ब्रांड्स बेच रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जो सेलर है वो कौन कौन से ब्रांड बेच रहे हैं और कितने बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने इस सेलर को ओपन किया। तो इस सेलर को ओपन करने के बाद मुझे पता चला कि ये वाला जो सेलर है ये मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहा है, मतलब कि ये FBA होलसेल या FBM होलसेल कर रहा है। तो ये देखें, ये देखें इतने सारे ब्रांड बेच रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि ये जो वाली प्रोडक्ट है ये होलसेल की प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हम मीटू कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। तो जो अब चांसेस हैं इसको सेल करने के वो इनक्रीज़ होंगे। तो मैंने इस सेलर को ओपन किया। इस सेलर को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर पता चला कि ये देखिए ये भी जो सेलर है ये मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहा है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये होलसेल के लिए मौजू है या नहीं है। इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि ये होलसेल के लिए हम इसको बेचें ना बेचें। तो आपको प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है, आप उसके ऊपर टाइम देते हो, उसको चेक करते हो कि लास्ट 90 डेज के अंदर कितने सेलर आई है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली प्रोडक्ट थी ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेलर नंबर ऑफ सेलर्स कैसे चेक करने हैं, तो कौन कौन से आके सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पे कीपा पे इसको लॉगिन कर लोगे। कीपा पे, कीपा एक पे टूल है, आपने इसको बाय कर लेना। तो यहाँ से डाटा पे चले गए, डाटा पे आने के बाद बाय बॉक्स स्टैट्स पे आ गए। तो बाय बॉक्स स्टैट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको देखना है कि कितने सेलर अब इस टाइम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, फ्यूचर में कितने सेलर थे, अब कितने हैं। और ये देखें ये लास्ट 30 ईयर के अंदर इतने सेलर आए, लास्ट 90 ईयर के अंदर ये देखें इंक्रीज हो गया, लास्ट 180 डेज के अंदर और इंक्रीज हो गया, 365 डेज के अंदर ये और इंक्रीज हो गया। अब हमें इससे पता चल गया कि क्या होलसेल